बीजेपी और कांग्रेस की मैराथन बैठकें होनी है। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति शाम को एक अहम बैठक करने जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर भी मंथन होगा। 5 सितंबर तक एमपी कांग्रेस की भी बैठकें होंगी। संगठन चुनावी रणनीति को लेकर ये बैठकें होंगी। भोपाल पहुंचे रणदीप सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह, तो दो बड़ी बैठकें कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी ये बड़ी अहम बैठकें होंगी। चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी में जो है इसको तैयारियों को लेकर ये बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। दूसरी लिस्ट के नामों को लेकर भी मंथन हो सकता है इस बैठक में। तो साथ ही साथ कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जो है रणदीप सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और सीधे हम रुक करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का मौजूद हैं। मनोज जी, बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक तो यहां होने ही वाली है और काफी महत्वपूर्ण इस मुद्दे इसमें रहने वाले हैं। और खासतौर पर जो हम कह रहे हैं कि 210 विधानसभा जो सीटों पर विधानसभा सीटों पर जो पहुंचने वाली है जन आशीर्वाद यात्रा, उसको लेकर यहां तैयारी होने वाली है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, वो कांग्रेस की बड़ी बैठक को लेकर है जिसमें रणदीप सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं। दोनों ही बैठकों के बारे में क्या जानकारी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस 2023 चुनाव को लेकर अब एकदम सक्रिय है। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे हैं और साथ ही चोपड़ा भी यहां पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की बात करें लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में यहां भी काफ़ी चहल पहल आप देख सकते हैं। इस समय एक अलग तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देख सकते हैं आप। ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, काफ़ी कार्यकर्ता इस समय पहुँच रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। लगातार पहुँचने का सिलसिला जारी है लेकिन आज की बैठकें भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखिए कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल चुनावी रंग में इस समय दोनों ही दल रंगते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की। जहां तक बात करें बीजेपी की, देखिए आप कुछ वरिष्ठ लीडर इस वक्त पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं इस वक्त और तमाम लीडर लगातार यहां पहुंच रहे हैं। तो किस तरह की बैठकें हैं मैं समझने का प्रयास करूंगा। थोड़ी है लगातार भूपेंद्र जी बैठकें चल रही है, अब बिल्कुल चुनावी मोड पर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि चुनाव आए तो दिखने लगे, बाकी 5 साल पता नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी है, पूरे 5 साल जनता की सेवा करती है और उस सेवा के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। 5ों साल हमारी तैयारी चलती है। लेकिन अब तो कांग्रेस भी कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला आ गए हैं, चोपड़ा आ गए, तमाम तरह की बैठकें करके, और इस बार हम बताने वाले बात है। देखिए, कांग्रेस में तो सारी चीज़ें गुटबाजी के आधार पर होती हैं। कोई आ जाए कुछ आ जाए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जो है वो दो लोगों के बीच में है, एक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, एक कमलनाथ जी की कांग्रेस है, और दोनों अपने बेटों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी जयवर्धन जी को चाहते हैं। तो दोनों जो नेता हैं वो दोनों बुजुर्ग नेता अपने बेटों को स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा भी परसों से शुरू हो गई, आज व्यवस्थाओं के लिए लेकर भी बैठक थी, तो क्या आज बैठक में इसको लेकर कुछ चर्चा होगी? देखिए, अभी प्रमुख रूप से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर ही बैठक है और लगातार तैयारियां चल रही है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। 3 आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी 3 तारीख को चित्रकूट से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 4 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे नीमच से प्रारंभ करेंगे। 5 तारीख को हमारे देश के यशस्वी नेता माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मंडला और श्योपुर से प्रारंभ करेंगे यात्रा को, और 6 तारीख को हमारे भारत सरकार में मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय नितिन गडकरी जी खंडवा से यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इस तरह से बिल्कुल मनोज जी हम देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ लगी हुई है और लगातार जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, जो बड़े नेता सामने आ रहे हैं वो भी ये लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मोड में